हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपको थंबनेल देख करके पक्का पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो इसको पूरा कर लेना ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। साथ ही साथ मैं कुछ और चीजें बताता चलूँ अपने चैनल के रिगार्डिंग, कि आप अगर हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको असाइनमेंट फ्री में मिलेगा, आपको नोट्स में बहुत ही भारी डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और यू नो सजेशन अगर आपको चाहिए, या फिर ऑन डिमांड लेक्चर्स आपको चाहिए। तो ये सारी की सारी बेनिफिट आपको मिलेंगे जब आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करोगे, जिसको ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल पे जाना है, इस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, आप इसको एक बार चेकआउट जरूर करना। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो चलिए लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। प्लेलिस्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि आपको हमारे चैनल पे जाना है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, है ना? ये देखो एमसीओ 1 फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जहां पे ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है, जिसको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। तो इफेक्टिव बजटिंग के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज है जो कि आपके पास होनी चाहिए या उसकी जरूरत होती है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। A good budgeting system requires good organizational system with lines of authority and responsibility and clearly mentioned, है ना? तो यहाँ पे जो सिंपल सी बात बोली कि वो ये है कि अच्छी बजटिंग आपकी तभी हो पाएगी जब आपका सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा। आपका सिस्टम को अच्छे तरीके से काम करने के लिए जो आपकी लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लियरली मैंशन होनी चाहिए कि अगर आपको ये काम करना है तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये काम करना है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से ये लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका बजटिंग सिस्टम ठीक तरीके से काम कर सके। There must be perfect coordination among the different functions as well as participation of responsible managers, supervisors in the decision making process. जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी को डिटेल में यहाँ पे बताया गया कि coordination लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो भी functions आप करते हो, जो भी क्रियाएं आप करते हो, उसके बीच में coordination होना बहुत important है। अब वो कार्य कौन कर रहा है? वो कार्य कर रहा है responsible manager, supervisor, decision making process में ये काफी ज्यादा helpful करता है जब ये responsible manager और supervisor साथ में मिल करके किसी काम को करते हैं, है ना? तो जो मेन एसेंशियल्स हैं एक इफेक्टिव बजटिंग के, मैं उसको एक एक करके अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि देयर शुड बी वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड, बजट कमेटी शुड बी फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टॉप एग्जीक्यूटिव्स। तो जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि आपको एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना होगा। अगर आपको बजटिंग को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सबकी अथॉरिटी क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपकी ये अथॉरिटी है, साथ ही साथ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, है ना? तो बजट कमेटी जो है उसको फॉर्म करने के लिए इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारे के सारे और जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ठीक तरीके से क्लियरली यू नो टुगेदर साथ में काम कर पाए और बजट को इफेक्टिव बना पाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई यही है। तो बी नंबर पॉइंट है वो ये है कि देयर शुड बी गुड अकाउंटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। और एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि आपको एक्यूरेटली और टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपके बजटिंग में ये दिक्कत हो रही है या यहाँ पे आपको बजटिंग में ये बदलाव करने की जरूरत है, है ना? तो देयर शुड बी गुड अकाउंटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बजटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सी नंबर पॉइंट। Point C, variations should be reported promptly and clearly to the appropriate levels of management. तो जो भी variations आपके budgeting में आ रहे हैं, देखो जब आप budget तैयार करते हो तो budget आपका fixed नहीं होता, ठीक है ना? उसमें किसी भी तरह के बदलाव कभी भी आ सकते हैं। तो किसी भी तरह का variation अगर आ रहा है आपके budgeting में, तो उसको promptly मतलब सही time पे उसको report करना अपने top level management को, वो बहुत ज्यादा important है। तो ये तीसरा जो है इसका effective essential जो है इसका budgeting का हो जाएगा। डी नंबर पॉइंट है, बजटिंग हैव नो मीनिंग अनलेस दे लीड टू कंट्रोल एक्शन एज ए कॉन्सिक्वेंट ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड। अब देखो बजटिंग में बोला जा रहा है कि आपने पहले से कुछ चीजें डिसाइड कर ली है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। जब आप देख रहे हो कि आपके काम में कुछ दिक्कत हो रही है और आपके पास फीडबैक आ रहा है कहीं और से कि भाई ये चीजें आपको बदलाव करने की जरूरत है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, फिर भी अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करते तो बजटिंग का जो सोल पर्पस है वो आप पूरा हो ही नहीं पाएगा, है ना? तो बजटिंग के लिए ये बजटिंग एक तरीके से यूजलेस हो जाएगा
जब तक कि आप फीडबैक के ऊपर ठीक तरीके से काम ना करो, है ना। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फीडबैक होते हैं उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका बजट ठीक तरीके से इफेक्टिव हो पाए। नाउ ई नंबर पॉइंट, द होल सिस्टम शुड एंजॉय द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब जो भी पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है बजटिंग के तहत, उसमें कोऑपरेशन और ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट की, कि उनको जो है प्रॉपर सपोर्ट प्रॉपर कोऑपरेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि एक इफेक्टिव जो हमारा बजटिंग मैंने तैयार कराया है, जो हमने तैयार करा है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके और उसको कार्यान्वित किया जा सके। तो कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज अ वेरी एसेंशियल इन इफेक्टिवनेस ऑफ अ बजटिंग, है ना। ये हो गया एफ नंबर पॉइंट कर लेते हैं। स्टाफ शुड बी स्ट्रॉन्गली एंड प्रॉपरली मोटिवेटेड टुवर्ड्स द सिस्टम। अब जो भी स्टाफ उस बजटिंग सिस्टम के तहत काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्गली बहुत ही मजबूती से और बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट करने की जरूरत है कि वो उस सिस्टम के दायरे में रह करके, सिस्टम को ध्यान में रख करके गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी उसको एफर्ट लगाने चाहिए वो लगाए, है ना। तो उनको स्ट्रॉन्गली मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है ना। आखिरी नंबर पॉइंट है, जी नंबर पॉइंट है, देख लेते हैं। बजट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरली डिफाइंड बिजनेस पॉलिसीज आफ्टर डिस्कशन हेल्ड विद द हेड ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सो एज दे मे प्रोवाइड देयर सजेशंस टू इन दिस रिगार्ड, है ना। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि बजट जो है उसको क्लियरली प्रिपेयर करना चाहिए कि ये आपका काम है, जो भी आपका काम आपको डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग जो आपको पॉलिसी करना चाहिए, और इसके लिए डेफिनेटली डिस्कशन होनी चाहिए जो आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनके साथ, ताकि वो सही टाइम पे कोई सजेशन प्रोवाइड कर सके अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, है ना। तो बजट प्रिपेयर करना ही जरूरी नहीं होता, बजट प्रिपेयर करने के पहले बजट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये करने के लिए आपको जो आपका हेड होगा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का उससे बात कर लो अच्छे तरीके से, जो भी कोटेशन है वो ले लो, ताकि वो भी किसी तरह का सजेशन जो है प्रोवाइड करा सके इन चीजों को लेकर के। तो सबको साथ में लेकर के चलने से, जो भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के हेड है उनको अगर साथ लेकर के चलोगे तो आपका जो बिजनेस जो जो बजट है वो इफेक्टिवली आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, और ये भी इसका एक एसेंशियल हो जाएगा किसी भी इफेक्टिव बजटिंग के लिए। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से चलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।